हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अच्छी हूँ आप लोग की दुआ से। तो वेलकम हो गया आपका समी कभी न्यू ब्लॉग में मेरे इस टाइम न्यू ब्लॉग सॉरी गाइस, आई एम जॉकिंग। क्या करूँ, अकेली हूँ, थोड़ा बहुत हंसी मजाक आप ही लोग सकल लेती हूँ। तो मेरा सुबह तो बहुत पहले हो चुका है और मैं चाय खा रही, बिस्किट, मेरा रोज का रूटीन। अभी मैं कबीर का इंतजार देख रही हूँ, नाश्ता के लिए समझिए या लंच के लिए समझिए। और अभी घड़ी में बजा है 1:15 और आज है जुमेरात, गुरुवार। तो ये देखिए मेरा सब कवर उवर, मैं बेड कवर उवर चेंज कर ली हूँ और खुद भी चेंज हो गई। और मेरा आज का ये आउटफिट मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। जुमेरात है, देखो कल आगे क्या प्लानिंग होता है ये बता नहीं सकती मैं, आगे क्या प्लानिंग है हमारे लिए वो तो कबीर जी जानते हैं क्या प्लानिंग है, क्या होगा आगे। आगे का तो नहीं जानती, पहले तो मैं लंच कर लूँ और फिर नमाज पढ़ना जो है कम। और आज जुमेरात है तो मैं कोई रेसिपी नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि आज सोचा सिंपल बनाएंगे, भिंडी आलू की सब्जी दाल चावल। अब रोज़ रोज़ चिकन मटन कहाँ से बनाऊँगी, रोज़ रोज़ चिकन मटन अच्छा ही नहीं लगता, तो इसलिए आज मैं आपको रेसिपी नहीं दूँगी। और कल है शुक्रवार, तो कल मेरा चिकन मटन बनना ही बनना है, कल तो मेरा त्यौहार है, मतलब शुक्रवार, तो मतलब सबका संडे, मेरा संडे कल है, तो मैं कल बनाऊँगी इंशाल्लाह। फिर देखते आगे का क्या प्लानिंग है। हाँ, रेसिपी देने का रहेगा तो हो सकता है मैं आज जुमेरात हूँ ना, आज जुमेरात है, सॉरी आज तो जुमेरात है, तो मैं बनाऊँगी, थोड़ा सा सोच के रखी हूँ कि थोड़ा ना खीर बनाऊँगी, जो कलकत्ता में बनता है वही वाला खीर, वही स्वीट बनाऊँगी। तो वो खीर को दूधल बोलते हैं, दूधल, ठीक है। तो उस वो खीर को दूधल इसलिए बोलते हैं, उसकी वजह बता देती हूँ आप। उसको जमा करके वो जम जाता है साथ साथ, और बर्फ़ी की तरह कट भी कर सकते हो, तो इसीलिए उसे दूधल बोलते हैं। और उसमें ढेर सारा नारियल पड़ता है, तो आज मेरे पास दो नारियल है, तो मैं एक नारियल या डेढ़ नारियल से बनाऊंगा। अब जिसका जितना हो सकता है उतनी बनाएगा, चावल का कम रहेगा लेकिन मेरे पास नारियल ज़्यादा रहेगा। और आप उसमें जितना भी नारियल ज़्यादा दोगे ना, ज़्यादा टेस्ट होता है, तो वो नारियल से ही बनता है, बिना नारियल, विदाउट नारियल तो बनेगा ही नहीं, दूधल का काम ही है, नारियल से बनता है, चावल बहुत कम रहेगा। और कोलकाता से मैं लाई थी पटाली गुड़, उस गुड़ से बना दूँ, ज़्यादा नहीं पकाते आपको। तो मैंने अभी ब्लॉग स्टार्ट कर चुकी हूँ, अब देखते आगे का क्या प्लानिंग है। वैसे रेसिपी तो नहीं दूंगी, बता दी हूँ, हाँ लेकिन खीर का रेसिपी दूंगी, वो भी कोलकाता के स्टाइल में दूधल खीर। फिर मिलते हैं हम आपको खीर के टाइम में। तो यहाँ कबीर बेचारे आए अभी, तो मैं बोली सूट करने के लिए, क्योंकि मैं अकेले यहाँ से कर रही थी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ खीर, और ये है गुड़, तो ये नॉर्मल गुड़ नहीं है, ये पटाली गुड़, मैं कोलकाता से लाई थी, यहाँ महाराष्ट्र में नहीं मिलता है, खजूर गुड़ ना, हाँ यहाँ महाराष्ट्र में नहीं मिलता है, लेकिन हम कल कोलकाता गए थे अभी घर, तो लाए थे, तो मेरा यहाँ पड़ा था, तो मैंने सोचा चलो आज इसी गुड़ से बनाते हैं। झूठ मत बोल दिया, आप खाए भी थे रोटी के साथ, पराठा के साथ, हाँ। और यहाँ देखिए गाइस, ये रहा नारियल, तो मैंने इसे मिक्सी चला लिया, कौन जाएगा इतना घिसने के लिए, तो सेम वही होता है, मैं आपको दिखा रही हूँ। और वैसे भी आप लोगों को मालूम है मैं काफ़ी फास्ट कुक करती हूँ, ऐसा कुक बनाती हूँ और दिखाती हूँ कि सब। और ये रहा देखिए अरवा चावल, ये है अरवा चावल जो खीर का चावल होता है, तो ये मैंने आधा पाव लिया है, और गुड़ इसका डबल है एक पाव के अंदाज, ठीक है। तो ये आधा पाव अरवा चावल है, जिसे मैंने कुकर में थोड़ा गला लिया है ताकि इजी हो जाए खीर बनाने में। और ये रहा नारियल, आप लोग देख सकते हो ऊपर से, या मगज बादाम या फिर खसखस, इसे दूधल हलवा भी बोलते हैं या दूधल बोलते हैं, ये महाराष्ट्र का नहीं है, कोलकाता का। कोलकाता वाले लोग अगर देखेंगे तो समझ जाएंगे मैं कौन सा बना रही हूँ, लेकिन ये सिर्फ कोलकाता ही में बनता और कहीं नहीं बनता ये वाला। गरम हो गया और वो होने दीजिए। आइए देखिए आज का मेरा डिनर मैं तैयार कर चुकी हूँ, जल्दी जल्दी करके, क्योंकि मुझे अभी बाहर मार्केट निकलना, मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। ये रहा मेरा भिंडी आलू की सब्जी, और ये रहा मेरा दाल,
दाल भी बनानी, भिंडी आलू की सब्जी भी बनानी हूँ, और लेट से ब्लॉग भी स्टार्ट किए हैं, और मैं फातिया के लिए खीर तैयार कर रही हूँ। खीर तैयार हो जाएगा, फिर उसके बाद नमाज पढ़ूंगी, फातिया दूंगी। आप लोग बोलते हो समीना एक साथ से बोल रही, क्योंकि हाँ अभी कभी का कोई ठिकाना नहीं, मोबाइल पकड़ लेंगे, क्योंकि इतना मुश्किल से मैं बोली, थोड़ा सा सूट कर लीजिए, खीर बना रही हूँ। तो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, समझ में आया। तो मैं अभी मार्केट निकल जाऊँगी, थोड़ा कुछ मेरा तो आप लोग को मालूम है सामान घटते ही रहता है। तो देखिए आप लोग, इस तरह से ये खीर बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। और ये मैं बार बार बोल रही हूँ, ये महाराष्ट्र का नहीं है, यहाँ बिल्कुल भी नहीं बनता है, यहाँ के लिए यूनिक और नया है। हमारे बंगाल में बनता है, मैं अपने बंगाल के हिसाब से ये वाला खीर बना रही हूँ। बंगाल के लोग जान जाएंगे कि हाँ ये कौन से, इसे दूधल हलवा बोलते हैं, दूधल भी बोलते हैं। और इसमें मैं नारियल भी डाल दूँगी, कद्दूकस किया हुआ नारियल। अब बस इसे लगातार 5 मिनट तक बनाएंगे, और चावल तो मेरा पका है, तो इसे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। जो भी मेहनत था मैंने पहले कर चुकी हूँ, बस आप लोग को शूट करके दिखा रही हूँ कि ये नया रेसिपी मैं अपने ब्लॉग में बना रही हूँ, नया रेसिपी दिखा रही हूँ स्वीट में। तो आज गुरुवार था, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना थोड़ा सा मैं कुछ नया करती हूँ, ऐसे ही मैं कुछ करती रहती हूँ। तो चलो, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर मार्केट जाएंगे, तो फिर मिलते हैं, फाइनल लुक को आपको दिखा देंगे। तो ये रहा मेरे फातिया का फाइनल लुक, ये है दूधल, ये देखिए करीब से। और इसके ऊपर आप खसखस, मगज, बादाम, जो भी कुछ आप चाहो उससे सजावट कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। तो यहाँ कबीर फातिया दे रहे हैं, फातिया मतलब दे चुके हैं तभी मैं ले रही हूँ, ऐसा नहीं है, अभी फातिया दे चुके हैं। अब मैं इसको साइड कर दूँगी, है ना, तो मैं अभी साइड कर देती हूँ इसे। फिर अभी मगरिब का अज़ान है, तो फिर हम लोग नमाज़ पढ़ के मार्केट निकलेंगे। खाना भी बना चुकी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सब कुछ हो गया है। तो ये देखिए खीर का, इसे दूधल खीर बोलते हैं, जम जाएगा, ये ठंडे होने पर काफ़ी ठीक हो जाता है, इसे आप बर्फ़ी के जैसा पीस पीस काट सकते हो। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं मार्केट के लिए, क्या कर रहे हो आप, अपने कोई ध्यान से चलाइए। तो मार्केट के लिए हम लोग अभी निकले हैं, वही रोज़ का राशन पानी, तेल, मसाला, सब्जी, आलू, प्याज। और मेरा तो ज़्यादा ही खर्च होता, कबीर बोलता तेरे हाथ में बहुत खर्च होता है, ये सब चीज़ हफ्ता भी नहीं लगता है और ख़त्म हो जाता है, तो क्या कर सकते हो बोलो। और फीका फीका खाना तो टेस्ट भी नहीं लगता है, अब खुद इन्हीं को नहीं लगता है। तो मैं अभी जा रही हूँ, देखते हैं क्या क्या लेना है, लूँगी। तो अभी निकली हूँ, चलो पहुँच के, हाँ सही भीड़ और ट्रैफिक नहीं मिलना है। तभी हम लोग खाने बैठे हैं, ये देखे गाड़ी है, और ये कभी और ये रहा मेरा, लेट से निकले हैं तो भूख लग गई है। अरे महंगाई तेरी, 5 किलो 6 किलो ले लेना यार, बार बार झमेला नहीं करना, दिमाग खराब। आओ 5 किलो लो, बार बार बोलना नहीं, इधर आओ उधर आओ, इधर उसका दुकान का खाली वीडियो बना बना के हाईलाइट कर दिया। ये क्या है, अच्छा लहसुन है, वो देखिए। हम लोग बाजार में आए हैं, और बाजार का हाल देखिए, अभी तो थोड़ी बहुत खाली दिख रही है, क्योंकि रात हो चुका है, हम लोग थोड़ा लेट से निकले हैं बाजार, थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं आपसे। मेरा तो मार्केटिंग हुआ है, ये देखिए बहुत महंगा, बहुत अदरक और लहसुन दोनों 200 रुपये के जी, एक एक कौल लिए हैं जानी।
और अभी हम लोग मार्केट की तरफ से जा रहे हैं, क्योंकि ना बाजार की तरफ से बहुत ज़्यादा क्राउड और भीड़ है। क्या बोली? नहीं नहीं, उसमें इतना लाइट में उसमें वो क्या हो जाएगा। हम कहाँ से टी शर्ट लिया था? देखिए आया है, आगे में नहीं आया। नहीं है, नहीं तो कार्टून में ना। चलो अब कबीर बहुत फास्ट चला रहे हैं। हाय, ये माए है, थोड़ा सामान लेने। ये देखिए किराना दुकान। तो एक कैरेट अंडा जो लेंगे तो कैसे लेंगे? अंडा लेके कैसे जाएंगे गाड़ी में? यार अंडा सुबह में ले लेंगे, रान दो गाड़ी में भी पकड़ने को जगह नहीं, रखने को भी जगह नहीं। तो मैं गोद में ले लूंगी, हो जाएगा। तो पर एक पैसा का हमको भरोसा नहीं, हम तुमको नहीं देंगे। मैं गिरा दूंगी। अच्छा पैसा काट लेना, मैं मतलब झाड़ू देख लो, झाड़ू। हाँ एक कराटा झाड़ू दाना पतला है क्या? फिर मिलते हैं आपसे। ये देखिए समीना को। अच्छा। और ये सारा परेशानी हम झेले। देखो आते साथ इसका सामान बाजार, ये क्या रोज रोज हफ्ते में दो दिन तीन दिन में इतना इतना सामान। ये लड़की है, ये एक खाती है बस, और कोई नहीं। इसका मतलब मैं भैंस बकरी हूँ ना। देखो आलू गाइस, प्याज आलू, क्या ये मेरा राशन, करेला हल्दी मिर्ची, बारीक वाला चावल बासमती चावल, अंडा एक कैरेट, दो पैकेट तेल पोच, अदरक लहसुन, आठ किलो प्याज, छह किलो आलू, सास करो, एक कैरेट अंडा, और ये कलवंजी है 200 ग्राम कलवंजी, और 250 ग्राम मेथी, और ये रहा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और एक एक पाव अदरक लहसुन, और ये है कबीर का फेवरेट मटन और बीट। ये बीट का मैं रेसिपी दूंगी, किसी ने आपको नहीं दिया होगा जो मैं आज बनाऊंगी मटन बीट, किसी ने मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन मैं दूंगी फर्स्ट टाइम। और ये फल्ली है, और ये बारीक वाला चावल है पुलाव का, 4 किलो ली पुलाव का चावल बारीक वाला, करेला है, और ये मूली है गाइस, ये आप वैसे ही देख लीजिए, मैं बहुत थक गई निकाल निकाल कर सामान। ये मूली 1 किलो है, करेला 1 किलो है, और बीट 1 किलो है, अदरक लहसुन पाव पाव है, और 6 किलो आलू, और 8 किलो प्याज, और ये मेरा फल्ली। ए यार अपना भाषण बंद करो, बहुत सारा सामान आ गया है गाइस, फिर हम आपसे मिलते हैं। और मेरा मार्केट खत्म नहीं होगा, यही कबीर बोल रहे हैं। इसका मार्केटिंग अभी खिफिर कर ले जाना पड़ेगा। कोई ठीक नहीं, पर तुम्हारा मार्केट कभी खत्म नहीं होगा। अभी मैं सही में बहुत भीड़ था, रश था, इसलिए मैं थोड़ा बहुत सामान नहीं ले पाई, तो इंशाल्लाह कल देखते हैं नेक्स्ट डे। बहुत थक गई हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहा सुबह से। आज मैंने बनाया है दूधल खीर, जो कलकत्ता का फेमस है, और बहुत जो नींद आ रही है, मैंने सोचा कि सो जाऊंगी, फिर एडिट नहीं, फिर एडिट नहीं कर पाऊँ, एडिट तो नहीं कर पाऊँगी। 1 बज गया रात, यही करते करते आज बहुत सारा काम था, फिर मार्केट गए, मार्केट से आ जाने में लेट हो गया, फिर नमाज पढ़ने में लेट हो गया, अभी तो हम लोग खाना खाएँ 11:30 बजे। उसके बाद बहुत लेट हो गया आज, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहा, पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, और मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़, नए कुक के साथ कल शुक्रवार, देखते हैं।